गाइस क्या आप भी इस तरह की बार चार रेसिंग वाली वीडियो बनाना चाहते हो? यदि बनाना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ कि आप कैसे इस तरह की वीडियो बना के और कैसे आप यहाँ से कितना पैसा कमाओगे। यकीन मानिए यदि आपने ये पूरा ट्यूटोरियल सीख लिया आप पूरा का पूरा बार चार रेस वीडियो बनाना सीख जाएंगे। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैं ये सॉफ्टवेयर यार 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। और गाइज मेरा भी खुद का एक बार चार रेस वाला यूट्यूब चैनल है। और यदि आप लोगों ने मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे अच्छे सब्सक्राइबर मिले, मुझे अच्छा वॉच टाइम मिला और मुझे लाइक कमेंट अच्छे मिले, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जो है अपने उस यूट्यूब चैनल को रिवील करूंगा और वहाँ पे अपनी अर्निंग भी शो करूंगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो भी कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें। वहां पर मैं सबसे पहले अपडेट देता हूं कि कौन सी वीडियो आने वाली है। ओके, और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए ना आपको अपना फेस दिखाना है, ना आपको अपनी वॉइस ओवर करनी है, जस्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ऐड करना है और आपकी वीडियो यार रेडी हो जाती है। जीरो एडिटिंग है गाइस। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं इस यूट्यूब चैनल की एक सच्चाई बता दूं, यदि आपका चैनल चल गया, आपके चैनल पर यदि 1-2 मिलियन मंथली व्यूज आ गए तो आप कम से कम $3,000 तक आसानी से कमा सकते हो यार। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है तो मैं बता सकता हूँ कि आपको किस तरह का यहाँ पे RPM मिलता है, CPM मिलता है, राइट? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप इस तरह की वीडियो बनाओगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कुछ बड़े YouTube चैनल दिखा देता हूँ जो इस नीश में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े YouTube चैनल है। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में है डेटा इज ब्यूटीफुल। आप लोग यदि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमारी वीडियो तक आए हो तो आप जरूर से इस YouTube चैनल को जानते होंगे। इससे यार 1.38 मिलियन सब्सक्राइबर है। इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो यदि देखोगे तो 38 मिलियन व्यूज यार, 22 मिलियन, 18 मिलियन, 17 मिलियन। हालांकि 3 साल पुरानी है लेकिन मैं यदि इसकी रिसेंटली अपलोड में जाऊंगा तो आप देखोगे 5 दिन पहले 96,000, 3 हफ्ते पहले 1,91,000, 1 मंथ अगो 5,62,000। ये सब छोड़िए, मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ तो आप देखो कि ये बंदा यार 3 साल बाद इसने वीडियो अपलोड किया, ये 1 महीने पहले, और तब भी इसको अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं यार। समझ सकते हो ये एवरग्रीन यूट्यूब निश भी है। और इस बंदे ने 3 साल तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की लेकिन यूट्यूब से इसको यहाँ से अर्निंग तब भी होती रही गाइज। तो इसकी एक वीडियो में यदि ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि चैनल मोनेटाइज है ऑब्वियसली। और यदि इसके मैं मंथली व्यूज देखूँ तो आप देखोगे 2.8 मिलियन व्यूज लास्ट 30 डेज में इसको मिले हुए हैं, समझ रहे हो? और आसानी से यार ये $4,000 से $5,000 के बीच अर्न कर रहा होगा। और यूनाइटेड स्टेट का है तो हो सकता है इससे ज्यादा भी जा रहा होगा, $5,000 से $6,000, लेकिन इतना मैं आसानी से बोल सकता हूँ यार। तो ये सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है इस कैटेगरी में। सेकेंड यूट्यूब चैनल है वो है ये वाला, इसको भी यार काफी अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं। 9 दिन पहले 14,000, फिर 22 घंटे पहले 5,000 व्यूज, 13,000, 36,000 व्यूज। इसकी भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो यदि देखोगे तो 4 मिलियन व्यूज 7 महीने पहले, ठीक है। इसके मंथली व्यूज यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हो यार 2.4 मिलियन व्यूज इसे भी मिला हुआ है। और इसके तो यार केवल 33,000 सब्सक्राइबर हैं और इसके थे 1.38 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी वीडियो ब्राउज फीचर से भी ज़्यादा देखे जाते हैं, रिकमेंड से ज़्यादा देखे जाते हैं और यूट्यूब सर्च से तो देखी जाती है जब जब लोग सर्च करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिशन अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है इस निश में, राइट? तो अभी भी आप इस पर काम कर सकते हो। अगला जो YouTube चैनल है यार मींस क्रिकेट, और ये बंदा केवल क्रिकेट के ऊपर ही वीडियो बनाता है। अब देखोगे 9,000 व्यूज 6 दिन पहले, 13 दिन पहले 5,000 व्यूज, 11,000, राइट? और यदि मैं इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखूँ तो ये ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, 5 महीने पहले इसने स्टार्ट किया हुआ है। अब देखो 3.6 मिलियन, 2.8 मिलियन व्यूज, 1.4 मिलियन व्यूज। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी वीडियो यहाँ पे एक वीडियो वायरल होगी तो आपका यूट्यूब चैनल यार चल पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको छोटी से छोटी वीडियो बनानी है 3 से 4 मिनट की, राइट? और आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी किसी एक कैटेगरी को पकड़ सकते हो। उससे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको ज्यादा डेटा मिलता है गूगल से, उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को गाइस चूज कर सकते हो, राइट? तो इसको भी यार काफी अच्छे खासे व्यूज मिले होंगे और इसका भी चैनल मोनेटाइज आप जैसे कि देख सकते हो इस पे जो है डिस्प्ले एड रन हो रहा है। और देखो इसको भी 9,78,000 व्यूज लास्ट 30 डेज में मिला हुआ है और ये श्रीलंका का चैनल है गाइस। अगला जो यूट्यूब चैनल सिटी ग्लोब टूर, ये भी बहुत बड़ा चैनल है, 2,93,000 इसके सब्सक्राइबर हैं और मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखें इसके 4 मिलियन, 2.1 मिलियन। और इस बंदे की कंसिस्टेंसी यार बहुत सही है, आप देखोगे हर दिन ये एक वीडियो अपलोड करता है तभी इसको इतनी ज्यादा सक्सेस मिली हुई है। ये एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टैट्स ओवर टाइम। ये बंदा भी यार महीने में एक वीडियो डालता है, कभी कभी तो 2-2 महीने में वीडियो डालता है। ये मूवी के ऊपर वीडियो डालते हैं, अब देखोगे स्पाइडरमैन वर्सेस वेटमैन, टॉप 50 मार्वल मूवीज
और इसने एक सब निश पकड़ा हुआ है, मूवी का निश, और ये उसी पर वीडियो डालता है। और फिर से मैं यही कहूँगा कि यदि आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो आप भी सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ सकते हो और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको भी 7,48,000 व्यूज मिला हुआ है लास्ट 30 डेज में, और ये इंडिया का चैनल है यार, देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह के काफी यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो, ये भी एक यूट्यूब चैनल है। 3,23,000 व्यूज इसको भी मिले हुए हैं, और ये भी महीने में वीडियो अपलोड करता है। एक महीने से इसने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, और तब भी इसको जो है 5,81,000 व्यूज लास्ट 30 डेज में मिला हुआ है। अब यदि मैं अर्निंग की बात करूं तो यार, ये जो पहला चैनल था डेटा इज ब्यूटीफुल, इसने 72 वीडियो अपलोड की हुई है। सिर्फ यूएस का ये चैनल है, तो इसकी अर्निंग आप यहां पे देख सकते हो। मैक्सिमम इसको $10,700 की अर्निंग हो रही होगी पर मंथ, मतलब कि तकरीबन 3 के करीब का आरपीएम। और मैं एग्री करता हूं, इसको जो है इतना आरपीएम जरूर से मिल रहा होगा, $3 का आरपीएम इसको जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है पूरी दुनिया में देखी जाती है, इसलिए यहां पे आपको सीपीएम भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है गाइस, राइट। अभी हम जान लेते हैं कि इस तरह की वीडियो बनानी कैसी है फाइनली। तो इस तरह की वीडियो के लिए यार आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है फ्लोरिस स्टूडियो, राइट। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आप जो है आसानी से बार चार रेस वाली वीडियो बना सकते हो। और ये जितने भी यूट्यूब चैनल है सारे इसी से वीडियो बनाते हैं। और भी सॉफ्टवेयर हैं 2-3, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और यदि आपने कमेंट किया तो, राइट। तो सबसे पहले आपको गेट स्टार्ट फॉर फ्री कर लेना, और यहाँ से ओके। तो साइन अप करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको जो है बार चार रेस का ऑप्शन कहीं पे नजर आएगा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मेक योर ऑन बार चार रेस विद फ्लोरिस, राइट। तो आपको फर्स्ट वाला क्लिक करना है, ओके। तो आप देख सकते हो ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका डैशबोर्ड है, राइट। ये अभी डिफॉल्ट डेटा है, और यहाँ पे आपको अपना डेटा अब इंपोर्ट करना होगा। पहले हमको डेटा लेके आना है, देन हम यहाँ पे टाइटल को ऐड करेंगे, राइट। तो मैं डेटा में जाऊँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो है डिफॉल्ट डेटा है, ओके। तो हमको ये डेटा डिलीट करना है गाइस, लेकिन डिलीट हम तब करेंगे जब हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप डेटा कहाँ से लाओगे यार, आप इस तरह का डेटा कहाँ से लेके आओगे, ये top 10, ये बेस्ट सेलिंग, इस तरह का डेटा कहाँ से लेके आओगे, ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, और कुछ आपको खुद से भी सर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको चाहिए कि top 10 सोशल मीडिया ऐप, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल में, ठीक है। तो आपको वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी यार, राइट, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होती है सबकी यार, तो वेबसाइट्स भी अलग अलग होती है। लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक दो वेबसाइट ढूंढ रखी है जो खुद भी मैं यूज़ करता हूँ। पहली जो वेबसाइट है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ यार, उसका नाम है macrotrends.net। तो ये एक वेबसाइट है, और आपको यहाँ पे ये डेटा मिल जाता है, स्टॉक वगैरह के बारे में मिल जाता है, मार्केट। तो अभी मैं ग्लोबल मैट्रिक्स को क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि ये इतना सारा आपको डेटा मिल जाता है। ये कैटेगरी वाइज इन्होंने किया हुआ है, पॉपुलेशन हो गया, हेल्थ कैटेगरी होगी, इकोनॉमी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो सभी कुछ लगभग यहाँ पे आपको मिलता है। तो अभी हम कोई सा भी एक टॉपिक पकड़ लेते हैं जिस पर हम वीडियो बना सके। तो मैं क्या करूँगा कि अभी पॉपुलेशन लेता हूँ। तो जैसे मैंने पॉपुलेशन पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्री वाइज हमें पूरा का पूरा डेटा देखने को मिल जाता है। अब जैसे आपको 1960 से लेकर 2022 या 23 तक का डेटा चाहिए, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा चाइना में, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश जो है चाइना है, राइट। तो सबसे पहले मैं चाइना को ओपन किया मैंने यहाँ पे, और मैं नीचे जाऊंगा तो आप देखोगे कंट्री वाइज आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है, हिस्टोरिकल डेटा। अब देखो 1950 से लेकर 2023 तक का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी मैं इसको करूँगा पूरा का पूरा कॉपी। अब मैं जाऊँगा अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि हमें डेटा जो है लैंडस्केप मोड में चाहिए हमें, आप देख सकते हो डेटा ऐसे में है, समझ रहे हो, और जो हमने कॉपी किया वो वर्टिकली है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा लैंडस्केप मोड में, ठीक है। तो हम उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे जैसे 1, 2, उसके बाद पहला कॉलम सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट के साथ दूसरा भी सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस नज़र आएगा, और ये आपको डाउन कर लेना है इस तरीके से, राइट। ये हो गया पूरा का पूरा डाउन। अब देखते जाओ मैं अभी क्या क्या करता हूँ यहाँ पे। अब आपको पूरा सेलेक्ट करना है यहाँ से, एंड शिफ्ट, ये आपका पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सेलेक्ट ऑल करके आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जाना है शॉर्ट में। शॉर्ट में जाने के बाद कस्टम शॉर्ट में जाएं, यहाँ से आपको स्टोर बाई ये 1 रखना है, और यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट रखना है, ठीक है। और मेक श्योर कि यहाँ पे टिक हो, माई डेटा हैज हेडर्स, ये भी टिक होना चाहिए, एंड ओके करें, ओके। तो आप यहाँ पे देखो कि आपका डेटा जो है फ्लिप हो गया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये 2023 वाला रह गया,
इसको कंट्रोल एक्स करेंगे हम कट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। ओके, अब ये हमारा डेटा अभी फ्लिप तो हो गया, अब हमें इसको जो है ऐसे में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1950 सेलेक्ट किया और 2023, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं करूँगा पेस्ट स्पेशल ट्रांसफॉर्म। ओके, तो देखो आपका ये तो हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये करना है, ये भी सेलेक्ट करें, फिर लास्ट वाला सेलेक्ट करें, कॉपी किया, फिर से यहाँ पे गए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल ट्रांसफॉर्म एंड पेस्ट इट, राइट। तो आपका ये भी डेटा क्या हो गया है, पेस्ट हो चुका है गाइज। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से सभी कंट्री के, मतलब जितना आप बनाना चाहते हो, टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 15, उनके डेटा ऐसे ही करके ले लेने हैं, जैसे इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है। जैसे इंडिया का भी आपको लेना है तो आपको जो है यहाँ से करना है, ठीक उसी तरीके से कॉपी करें, और जैसे मैंने यहाँ पे किया उसी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और यहाँ पे वन बाय वन पूरा का पूरा पेस्ट कर लेना है। तो पहली वेबसाइट तो ये थी, यहीं से आपको दुनिया भर का डेटा मिल जाएगा, राइट। दूसरी जो वेबसाइट है वो है statista.com, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पेड भी मिलती है बट फ्री में भी आपको मिली जाती है यदि आप देखोगे तो, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर लेना, यहाँ से भी आपको कुछ डेटा मिल जाते हैं। ओके, तो गाइस जब आप एक वीडियो बना लोगे पॉपुलेशन के ऊपर तो आप जो है फिर किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो, यहाँ पे जाके जैसे आप मिलिट्री साइज के ऊपर जो है वीडियो बना सकते हो, मिलिट्री कंपेरिजन, ऐसी वीडियो भी बहुत ज़्यादा चलती है, आपने देखी होगी, ठीक है। तो आपको फिर से सेम वही स्ट्रेटजी अपनानी है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा पुराना डेटा है, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेल शीट बनाई हुई है सेम इसी मेथड से, ये मिलिट्री के ऊपर है, ठीक है। तो अभी जैसे हमें ये पेस्ट करना है अपने फ्लोरस स्टूडियो में जहाँ पे हम बनाएंगे वीडियो को, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा पूरा का पूरा ऐसे कॉपी, ठीक है। अब मैं जाऊँगा सॉफ्टवेयर में, ओके ये मैं सॉफ्टवेयर में गया हूँ, और यहाँ से आपको सबसे पहले ये कंट्रोल ए करना है और पूरा डिलीट कर लेना है, ठीक है। आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट डेटा था वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो आपको दो सेल छोड़ के आगे बढ़ना है गाइस, और सी वाला जो सेल है फर्स्ट वाला, यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। ओके, तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको कंट्री नेम डालना है, कंट्री, और यहाँ पे डालेंगे इमेज, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से कंट्री को कॉपी करूँगा, आप जो है पूरा भी कर सकते हो, वो गलती से ये छूट गया था तो मैं इसे अभी फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, फिर से यहाँ पे गया और ये इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में जाना है और यहाँ पे डेटा की जगह आपको लिखना है ए, ठीक है, ये हो गया। और ये जो इमेज है वहाँ पे आपको डालना है बी, राइट। ओके, तो ये बी हो गया। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है वैल्यू में, वैल्यूज़ में आप देखोगे कि ये एफ टू ए के सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ से आपका वार चार रेस जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमारे पास 1985 में भी डेटा है लेकिन उसके बाद 86 और 87 का डेटा नहीं है, और 88 में भी केवल इतना है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ और जस्ट इसको कर देता हूँ कॉपी। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, यदि आपके पास करेक्ट डेटा है तो आप वही यहाँ पे डालें, ठीक है, रॉन्ग डेटा आपको नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, और इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर दूंगा ऐसे। ओके, क्योंकि अगर आपका जो है कॉलम खाली रहा तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देखो एफ टू ए के होर का है, ठीक है, और हमारे पास डेटा ए ओ तक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए ओ लिख देंगे, राइट। तो ये इतना हमारा काम हो चुका है, तो हमारा बार चार रेस थोड़ा सा बनने वाला है। तो अब हम यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। इमेज ऐड करने के लिए आपको जाना है गूगल में, जैसे हमें इंडिया का फ्लैग चाहिए तो इंडिया फ्लैग, तो आप इमेज में जाओगे, यहाँ से आपको इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेना है ये वाला। फिर से हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ पे इंडिया की जगह ये पेस्ट कर लेना है, और अब आपको यहाँ राइट साइड में जाना है और इमेज में आपको बी लिख देना है, ठीक है, क्योंकि बी वाले कॉलम में हमारा इमेज है, राइट। तो आप देख सकते हो कि हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको सभी कंट्री के इमेज यहाँ पे डाल देने हैं उनके लिंक को। तो देखो मैंने यहाँ पे सारे इमेज डाल दिए हैं और मैंने यहाँ पे जिफ फाइल डाली हुई है, तो आप भी डाल सकते हो ऐसे करके, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा जिफ, तो ये हमारे पास एनिमेटेड फ्लैग हमें मिल जाएंगे यहाँ पे गूगल में। ठीक उसी तरीके से आपको इसका भी जो है इमेज एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है, तो आपका बार चार रेस जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। अब यहाँ पे हमें अभी बहुत सारी सेटिंग करनी है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे टाइटल डाल देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा टोटल मिलिट्री साइज बाय कंट्री और जितने से आपका डेटा है 1988 to 23, ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पे आपको राइट साइड में बहुत सारे ये ऑप्शन नजर आते हैं। सबसे पहले जो सेटअप है, यहाँ से आप चार्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो इस तरीके से। और ये नंबर ऑफ बार है, आपको जितने बार रखने हैं आप उतना रख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये बार का स्पेस है, यदि मैं इसको बढ़ा दूँ तो आप देखोगे स्पेस यहाँ पे जो है बढ़ता जाएगा, राइट। तो मैं इसको 15 कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये हो गया। और ये शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग आपको ऑन रखनी है, और ये शॉर्ट मोड इसको यहाँ पे आपको छेड़ना नहीं है। एडवांस भी सेटिंग आपको मिलती है। बार हाइट यदि ऑटो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, नहीं तो स्पेसिफाइड भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, राइट, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद है कलर। अभी ये बाई कैटेगरी वाइज जो है सिंगल कलर हो रहा है सब में, तो यदि आपको अलग अलग कलर देना है तो आपको बाई बार में जाना है और आपका कलर जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऑपेसिटी को बढ़ा दें, आप ऑपेसिटी को ज़्यादा रखें। और यहाँ से यदि आपको और कलर चाहिए तो आप वो लगा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, देख सकते हो बहुत सारे मिलते हैं आपको, ये हो गया, राइट। और यदि आप कस्टम कलर देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं इसको पॉज करता हूँ और इसको मैं कॉपी करूंगा इंडिया को। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, कैपिटल लिखा है, तो आपको भी यहाँ पे सेम उसी तरीके से लिखना है, इंडिया देन कॉलन और उसके बाद रेड। तो देखो इंडिया का कलर रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टम कलर भी यहाँ पे दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है लेबल्स। लेबल्स में आप जो है लेबल्स का मूड चेंज कर सकते हो, मतलब कि लेबल्स ऑन बार आप देख सकते हो इमेज इधर साइड चले गए हैं। यदि आप एनिमेटेड इमेज को यूज कर रहे हो तो आप जो है इमेज को ये राइट साइड में रखें, मतलब कि ये वाला जो पहला ऑप्शन था इसी को रखें। और यदि आपके नॉर्मल इमेज हो तो तब आप ये वाला चूज कर सकते हो। और ये साइज है, इस तरीके से आप फॉन्ट का साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और ये बार लेवल्स है, बार लेवल यानी कि जो ये कंट्री के नेम है इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड करूंगा तो ये रेड हो गया है। तो आप अपने बैकग्राउंड कलर के हिसाब से कलर को चूज करें, ओके। और ये स्पेस है, देख सकते हो ये स्पेस आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अब देखो ये लेवल है, जो ये हमारी काउंटिंग होती है, जो हमारा डेटा है, तो ये वैल्यू लेवल यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो इसको आप हाइट भी कर सकते हो, ऑब्वियसली हमें हाइट तो नहीं करना है। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, जैसे रेड चाहिए तो रेड रखें। तो हमारा बैकग्राउंड इमेज अभी वाइट है तो ऑब्वियसली हमें ब्लैक ही रखना होगा अभी। और इसका भी स्पेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। लेवल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज का। अब यहाँ से इमेज की हाइट आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से, आप देख सकते हो कि इमेज का साइज जो है बड़ा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, राइट। और ये इसकी विड्थ को भी आप जो है चेंज कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, ओके, अपने हिसाब से। और ये मार्जिन है, मतलब राइट साइड में अगर यदि मैं इसका मार्जिन बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हो कि ये राइट साइड से जो है मार्जिन लेगा और लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे पास एनिमेटेड इमेज है तो मैं इसका मार्जिन को कर दूंगा माइनस में, मैं -60 करूंगा, और कम करना पड़ेगा -100, ओके। मतलब पूरा जो है इमेज इधर आना चाहिए, ठीक है, अब ये ठीक है, राइट। अब यहाँ से आप इमेज का साइज दे सकते हो, आपको फिट करना है तो फिट लगा सकते हो, स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच कर सकते हो। और तो हमको अभी फिट रखना है। देन आपको इमेज शेप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रेक्टेंगल आप रख सकते हो। और जैसे कि हमारा जो ये इमेज है वो जिफ फॉर्मेट में है, यानी कि एनिमेटेड वाला है, तो हमें रेक्टेंगल रखना है, राइट। अगर नॉर्मल इमेज है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, फिर सर्कल भी रख सकते हो, वो भी बेटर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमारा पूरा का पूरा बार चार्ट जो है रेडी हो रहा है अभी। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर एंड टोटलाइजर, जो ये आपको यहाँ पे 2021 दिख रहा है और टोटल दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यदि मैं इसे हाइड करूंगा तो आप देख सकते हो ये ईयर जो है हाइड हो जाएगा। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैं ब्लैक रखूंगा जो हमें ज़्यादा विजिबल हो। और यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हो, और ये लाइन हाइट है, और वैसे ही आप ये टोटल को भी हाइड कर सकते हो, और इसका भी कलर जो है चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसका भी साइज चेंज कर सकते हो, राइट। और टोटल की जगह यदि आपको और कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे साइज लिखूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, बट अभी टोटल ही मैं रखूंगा यहाँ पे। देन ये टाइम कैप्शन है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। उसके बाद कंट्रोल का ऑप्शन आपके पास मिलता है, और यहाँ पे भी आपको छेड़ना नहीं है, इसको ऑन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, और ये हमको हाइड रखना है यहाँ से। देन लेजेंड, इसको भी आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद एक्सेस का ऑप्शन है, एक्सेस में आप जो है टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो एक्सेस है इसका कलर रेड हो गया है, तो इसका भी आपको बैकग्राउंड के हिसाब से रखना है। देन ये लाइन का कलर है, ठीक इसी तरीके से आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो, ओके। तो इसको भी मैं अभी वाइट रखूंगा, ये लाइन मुझे ज़्यादा सही लगती नहीं है, तो मैं इसको हाइड रखूंगा एक तरफ से बोले तो। और ये लाइन डैश है, आप कितना डैश रखना चाहते हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको 6 करूंगा तो ये इस तरीके से बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको 0 रखूंगा और इसको वाइट ही रखूंगा अभी, ओके। देन आपके पास जो है ये तीन ऑप्शन है, डायनेमिक, फिक्स और कस्टम। तो पहला जो ऑप्शन है डायनेमिक में आपका जो है आपका बार फिक्स रहेंगे, बस ये अप डाउन एनिमेटेड होते रहेंगे। यदि मैं फिक्स करूंगा तो ये जो है काउंटिंग के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है। और उसके बाद टाइम लाइन एंड एनिमेशन है, इसको मैं डिसेबल करूँ तो आपका एनिमेशन डिसेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। और ये यहाँ पे स्टाइल है,
ये शोर चार्ट है, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा अभी। ये टाइम लाइन ड्यूरेशन है, तो ये अभी 30 सेकंड है, तो अभी इस बार चार्ट की ड्यूरेशन जो है 30 सेकंड है। तो जैसे आपको ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी, तो आप जैसे 300 सेकंड कर सकते हो। तो आप प्ले करूंगा तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 150 रखूंगा। देन ये टाइम जंप ड्यूरेशन है, इसको भी आप जो है 1 या 2 सेकंड ही रखना। फिर ये एक्सिस सेटिंग आपको यहाँ पे मिलता है, एक्सिस जो ये नीचे वाला है इसको एक्सिस बोलते हैं। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैं ब्लैक कर दूंगा, और फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, एंड ये सारा आप ऑन रख सकते हो यहाँ से। और ये लेआउट का सेटिंग है, ये जो पूरा लेआउट है आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं टॉप करूँ तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो ये थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, तो अभी मैं इसको इतना ही रखूंगा। उसके बाद स्पेस बिटवीन बटन एंड टाइमलाइन, ये जो बटन है और ये टाइमलाइन है इसके बीच का स्पेस आप दे सकते हो। ये स्क्रबर का हाइट है, और उसके बाद जो है प्ले बटन सेटिंग है, इसको ऑन करोगे तो आप इस बटन का साइज, इस बटन का कलर वगैरह सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। बटन का साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना छोटा रखें उतना सही है, और हो सके तो पूरा का पूरा इसको छोटा रखें, हाइड कर दें, ठीक है। आइकन, ये जो बीच में आइकन था उसका कलर भी आप दे सकते हो, और आइकन का साइज भी यहाँ से कम कर सकते हो हिसाब। तो ये हो गया हमारा बटन का सेटिंग, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। देन ये नंबर फॉर्मेटिंग है, जैसे आप यदि GDP पर वीडियो बनाओगे तो आपको डॉलर रखना होगा फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पे ये मैंने डॉलर किया, और इसके बाद यहाँ पे देखो, तो लेआउट का सेटिंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यदि इसको 0 करूँ, तो अलग वीडियो बना रहे हो तो आपको यहाँ पे जैसे मिलियन लिखना है, तो आप यहाँ पे मिलियन भी लिख सकते हो इस तरीके से। देखो ये मिलियन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। और ये डेसिमल प्लेस है, आप यदि डेसिमल प्लेस लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो यहाँ से। और इसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शन भी आपको मिलता है, इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेआउट का ऑप्शन। यहाँ से आप पूरे के पूरे लेआउट का जो है फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला करूँगा तो पूरे के पूरे लेआउट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो। आप जैसे ब्लैक रखना चाहते हो तो आप ब्लैक रखें, ठीक है। तो मैं वाइट ही रखूंगा। और यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो, जैसे मैंने इमेज ऑन किया तो कोई सा भी इमेज आप लगा सकते हो। जैसे मुझे कुछ आर्मी का बैकग्राउंड लगाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा URL को पेस्ट। तो आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे लग गई है। और ये पोजीशन है, ये आपको सेंटर ही रखना है। तो आप इमेज रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं अभी हाइड करूंगा यहाँ पे। और ये विड्थ है, एवरीथिंग करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मैन ग्राफिक करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो मैं नॉन रखूंगा अभी। और ये लेआउट का ऑर्डर है, आप देख सकते हो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो पूरा का पूरा लेआउट। तो ऑब्वियसली आपको ये वाला रखना है। देन ये मार्जिन है, आप लेफ्ट राइट से मार्जिन कितना देना चाहते हो, और यहाँ से आप बॉर्डर भी दे सकते हो कोई सा भी, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। देन आपके पास हेडर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है टाइटल डाल सकते हो। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो आप देख सकते हो ये हमारा टाइटल हो गया, और इसका अलाइनमेंट आपको ये वाला रखना है बीच वाला। तो ये हमारा टाइटल हो गया है। और स्टाइल मैं यदि इसका ऑन करूँ तो आप यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, जैसे रेड रखना है। इसका लाइन हाइट भी आप चेंज कर सकते हो, और टाइटल का फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से। ये साइज है, यहाँ से आप टाइटल का साइज इतना रख सकते हो, और कस्टम साइज भी आप दे सकते हो यहाँ से। जैसे मैं 6 करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसी तरीके से मैं यहाँ से 2 करूँगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। और ये स्पेस अबव है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप स्पेस भी दे सकते हो, स्पेस भी आप यहाँ पे दे सकते हो। और ये सब टाइटल है, सब टाइटल यदि आप देना चाहते हो तो, जैसे मैं यहाँ पे अभी ये वाला दे देता हूँ एग्जांपल के लिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सब टाइटल भी दे सकते हो। और उसी तरीके से आप यहाँ पे फॉन्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह। देन यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो अपना, यहाँ से आप अपने लैपटॉप से भी इमेज अपलोड कर सकते हो, और डायरेक्ट लिंक भी डाल सकते हो, जैसे हमने और इमेजेस का डाला हुआ था, ठीक है। और यहाँ से आप राइट लेफ्ट में लगा सकते हो अपने लोगो को। जैसे ये मेरा लोगो है, तो मैं इसको डाल के देखता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है, और इसको टॉप लेफ्ट जहाँ आपको रखना है वहाँ रख सकते हो। तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो गाइस आपका ग्राफ ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। सबसे पहले मैं इसका हेडर का कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक रखूंगा इसे। देन मैं सबसे ऊपर गया काउंटर एंड टोटलाइजर में, यहाँ से मैंने इसकी हाइट को कम कर लिया इसे, ठीक है। और टोटल को आप जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इस तरीके से, राइट। अब मैं सबसे ऊपर गया फिर से सेटअप में, यहाँ से मैंने नंबर ऑफ बार को बढ़ा दिया है, और स्पेसिंग मैंने 10 रख दिए। अब आपका चार्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है। एक और चीज़, अब आपको इमेज में जाना है, और यहाँ से आपको इसका मार्जिन थोड़ा सा कम कर लेना है, विड्थ को बढ़ा लेनी है। इस मार्जिन में थोड़ा सा इतना रख देता हूँ, हाइट भी आप बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा फिट आ चुका है। अब ये ज़्यादा सही लग रहा है। इतना करने के बाद आपको OBS स्टूडियो में जाना है, यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। इसके बाद फुल स्क्रीन में जाना है, यहाँ पे फिर से यहाँ 3 डॉट में जाकर फिर से फुल स्क्रीन करना है। ओके, और फर्स्ट में आना है, इसको प्ले करना है और अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है।
और आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। देन उसके बाद आपको कोई सा भी एक वीडियो एडिटर चूज करना है, जैसे क्लिप चैम्प में आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है। देन आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से कोई सा भी कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पे लगा देना है, उसके साथ दोनों को मर्ज करके आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। फाइन, तो गाइज ये था पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार चार रील्स वीडियो बनाने का पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैसे आपको यहाँ पे बनानी है। सो यदि पसंद आई तो यार लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स, कमेंट, लाइक्स और सब्सक्राइबर वगैरह अच्छे मिले तो मैं आपको अपना चैनल भी रिवील करूँगा और वहाँ पर अर्निंग भी आपको दिखाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में गाइज। गुड बाय।